मैकेनिकल कंट्रोल एंड क्लासेस स्टैंडर्ड एलपीजी सब क्रेड बच्चों को आज सब क्रेड नहीं घर जाना तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से और सॉल्व भी करना है एसडब्ल्यू में भी दिया है और मैं प्रैक्टिस में भी करवा रही हूँ तो उसको करना क्या लाइन करके कट करना है यानी सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है माइनस है तो शायद ऐसे बहुत से बच्चे तो जल्दी समझ में आते हैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो लाइन ऐसे लाइन करके सब्ट्रैक्ट को करना सीख सकता है। जैसे यहाँ 5 से 2 माइनस करना है अगर आप फिंगर फोर से या फिंगर से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे लाइन करेंगे जैसे 5 है तो 5 लाइनें करेंगे 1 2 3 4 5 कितने कट करने हैं 2 तो 2 कट कर दिया तो 1 2 3 तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। ऐसे आप लाइन करके सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं लाइन करके। तो यहाँ पे 6 है 6 में 4 माइनस करना तो 6 लाइनें करो 1 2 3 4 5 6 4 कट करना है 1 2 3 1 2 3 4 तो 4 कट कर दिया कितने बचे 1 2 तो यहाँ पे आपका आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे लाइन करके आपको सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर लेना है 4 में से 2 माइनस करना है तो 4 लाइनें 1 2 3 4 4 में 2 कट कर दो 1 2 2 बच जाना तो यहाँ पे आपका आंसर फिर से 2 आ जाना ठीक। फिर 7 में से 3 माइनस करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 में 3 माइनस करना है तो 1 2 3 3 कट कर दिया तो कितना बचा है 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आ गया। फिर 2 में से 2 यानी कि कोई भी संख्या उसी में संख्या से उसी संख्या से घटा कोई भी संख्या उसमें से वही संख्या घटा भी जाती है यानी वही संख्या बराबर उसको काट दो तो कुछ नहीं बचता यानी कि 0 ठीक। 2 में से 2 गया 0 फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 माइनस करना है बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में 4 माइनस करना है 1 2 3 4 4 कट कर दिया 1 2 3 4 तो आप के 4 बच गए। तो ऐसे आपको लाइन करके सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना है यहाँ पे आंसर भी दिया है आप भी ऐसे यहाँ पे भी लाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 से 4 माइनस करना है 3 4 5 6 7 4 माइनस करना है 1 2 3 4 तो यहाँ पे कितनी लाइन बचे 1 2 3 तो ऐसे करके आपको सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर लेना है तो आपको लाइन की हेल्प करके आपको सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर सकते हैं ठीक है।